अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महवेश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब डॉट पी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है, वो इस लिहाज से कि आजकल बच्चों में या बड़ों में भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलिएक डिज़ीज़ या आप कह लो कि गंदम से एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है। जिन लोगों को गंदम हज़म नहीं हो रही होती या खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, डायरिया हो रहा होता है या परसिस्टेंट डायरिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ग्रोथ रिटार्डेशन, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर ये देखी जा रही है तो उसके बाद सबसे पहले जो हम इंडिकेशन लगाते हैं वो हम ग्लूटेन इंटॉलरेंस का लगाते हैं। ग्लूटेन बेसिकली हमारे वीट के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जो जिसका एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं मौजूद होता। अगर हमारी बॉडी में वो एंजाइम मौजूद नहीं है जो उसको हज़म करेगा तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमारी अब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाती है, हमें डायरिया बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को या आपके किसी बड़े को भी खुदा ना खास्ता ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो चुकी है या आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं, और अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट पॉजिटिव आता है तो किसी डाइटिशियन या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास जैसे कि हम एशियंस हैं हमारे पास स्टेपल फूड ही हमारा रोटी है जो कि गंदम या मैदे से बन रही होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं। लेकिन जब आप अपने किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो वो प्रॉपर एक तो आपको गाइडलाइन देती है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अगर रुक रही है या बच्चे को आयरन या विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो कि आपको लैक्टोज इनसफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है कि आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं है। तो अगर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे से इसको डायग्नोज कर पाएगी तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स देख देगी जिसमें आपको बता देगी कि आपने ये खाना है और ये नहीं खाना, क्योंकि मदर्स मोस्टली मेरे पास यही आती हैं कि हमें ऑप्शंस नहीं पता, अगर गंदम नहीं खाएगा तो हमारा बच्चा क्या खाएगा, पूरा दिन सब्ज़ियाँ या दालों या गोश्त या अंडे पर कैसे रिलाई कर सकता है। तो हम आपको ऑप्शंस बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस उनके ग़िज़ा में शामिल करने हैं जिनकी वजह से उनको और भी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी रिटार्ड ना हो। अगर आपको या आप खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को किसी भी वजह से ग्लूटेन इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया।